तारा कहाँ है? तारा तू जा यहाँ से, पापा देख लेंगे। जी आ गया तुम्हारा बेटा। दहलीज तो तूने लांग ली है, पर अंदर पैर मत रखना। जिस रास्ते से आया ना, उसी रास्ते से चला जा। तुझे शर्म नहीं आती किसी की भी बहू बेटी को उठा ले आया? किसी की बहन बेटी को उठा के नहीं लाया, अपनी घरवाली को लाया हूँ। अगर ले आया तो क्या हो गया चाची जी, है तो उसकी घरवाली ही चार दिन पहले या बाद में। जाओ शगुन दो और घर ले जाओ। किस मुंह से स्वागत करूँ इसका, इसने तो नाक कटवा दी हमारी। वापस चला जा, दुश्मन लगता है तू हमारा। लोग कहेंगे पहले चाचा ने नाक कटाई फिर भतीजे ने। अरे बेवकूफ, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? जा निकल जा यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जय, मैंने तुम्हारा रिश्ता करवाया। मैंने इतने रिश्ते करवाए, इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई जितनी तूने आज कर दी मेरी। भाग सिंह, इससे पहले कि बात बिगड़े इस लड़की को इसके घर छोड़ा। ओए रुक जाओ भाई, क्यों पूरा गांव सर पे उठा रखा है? कौन सा किसी की बहन बेटी उठा के लाया है? अगर लाया है तो अपने ससुर की बेटी लाया है, साली की बहन को लेकर आया है, कर लो क्या करोगे। हाँ भाई बेटा, तू लड़की से मिलने आया था? हाँ जी आया था। ये ओए बोल, बोलता क्यों नहीं है? अरे बेटा थोड़ी तमीज से बात करो, हमारे गांव के जवाई है ये। हाँ हाँ, आजकल जवाई ऐसे होते हैं जो दीवार कूद के आते हैं। बेटा तुम्हें पता नहीं है गोने से पहले लड़की से नहीं मिलते हैं? अगर पता नहीं होता तो पूरे गांव से छुप कर आता, जुलूस निकालता हमारा। छोड़ो भाई, गलती कर बैठा लड़का, बचपना है। गौने के पहले मिलने आएगा, इतनी क्या जल्दी थी? अब छोड़ो भी, गौना तो करना ही है ना, आज नहीं तो कल। भूल जाओ जो कुछ हुआ। और क्या, भूल जाओ अपनी रीति रिवाज को। ओ इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है? ओ आजू बाजू के गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे गांव में कोई रिश्ता ही नहीं करेगा। अब इसके साथ लड़की नहीं भेजेंगे तो किसके साथ भेजेंगे? अभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई हमारी, जिंदा है हम, रख लेंगे अपनी बहन को घर में। हाँ जी हाँ जी, रख लेंगे, इतनी औकात है हमारी। तो बताओ सरपंच जी क्या करना है? परिवार और सारी पंचायत का यही फैसला है कि यह रिश्ता तोड़ा जाता है। निकल जाए यहां से। Thank you.
शुक्र है सपना था। मैं यूं कह रही हूँ कि उम्र निकलती जा रही है, कहीं अपने चाचा की तरह वो भी कुंवारा ना रह जाए। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, इस साल तो आपको मैं लड्डू खिला कर ही रहूंगी। हाँ हाँ, वो सोनू के पापा रोटी खा रहे हैं, लाओ मैं जाके लस्सी दे आती हूँ। ये लो, जल्दी दे आती हूँ, नहीं तो कहेंगे वही बैठ गई। निकाल दो चाचा, निकाल दो, एक भी सफेद बाल छोड़ना नहीं चाचा। इतनी जल्दी सफेद बाल पता नहीं कैसे आ गए, अभी तो मेरी उम्र भी कुछ नहीं है, अभी तो बस 45-50 का ही होऊंगा मैं। ये ले चाय पी ले, जब देखो शीशॉट प्लकर लेकर बैठ जाता है जैसा गौना करने के लिए जा रहा हो। गौना भी हो जाएगा, ताने मत मारा करो भाभी। रांझा को भी उसकी भाभियों ने ऐसे ही ताने मारे थे और उसने जाके हीर ढूंढ ली थी। हीर का तो मुझे पता नहीं, कहीं तू ना इस घर से निकल जाए। इस लड़के को देखने आ रहे हैं, वो तो अभी तक नहाया भी नहीं है। निर्मल बेटा तू भैंसों को नहला दे, और बेटा तू भी नहा ले, तुझे आज देखने आ रहे हैं। ठीक है मम्मी। जब देखो बैठ जाता है शीशा लेकर और दूसरों को भी बिठा देता है, किसी काम का नहीं है। ओए उठ जा उठ जा, सुबह हो गई है अभी तक सो रहा है। ले बेटा चाय पी ले, तेरे भाई को ना आज देखने आ रहे हैं। चाची मैं आ गया। मेहमानों को लेकर आया? नहीं संदेशा लेकर आया हूँ। क्या नथु की मम्मी मर गई कह रहे हैं, करतारो बहन को लेकर आओ, बहन बहुत अच्छा रोती है। चुप कर बेवकूफ, कुछ भी बोलता है। आज भाई को देखने आ रहे हैं। लो फिर तो तैयार हो जाओ, लड्डू जलेबियां खाएंगे। अरे खाएंगे, आज भी खाएंगे, 6 महीने बाद भी खाएंगे। तेरे घर में 6 महीने में बच्चा होता है? अरे मुक्का मार के दांत तोड़ दूं तेरे। अरे बड़े भाई का ब्याह होगा तभी तो मेरा नंबर लगेगा, तभी तो मेरे भी बच्चे होंगे, तभी तेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। मुझे भी चाय पीने दे, बहुत गर्म है यार, आराम से पी। इन अंगूठियों पे हाथ फेर के मजा ही आ जाता है, कौन सी पहनूं? आ ये ठीक है। नहीं 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 नहीं, इस मोटी उंगली में निर्मल की शादी वाली पहनूंगा, क्या ख्याल है? लो जी आप तो छोटे बच्चों के जैसे कर रहे हो, पहले ही कोई कसर छोड़ी है क्या? मैं तो कहती हूँ सारी पहन लो, वो लोग भी कहेंगे कि हमारा दामाद कितने पैसे वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चल जा स्कूटर को साफ कर, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। ओ यार मेहनत की कमाई है, यहाँ रख देता हूँ, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा। चाबी इधर नहीं है, चाबी कहाँ गई? इधर भी नहीं है, ओ चाबी नहीं दिख रही है। आप चाबी के लिए रो रहे हैं या स्कूटर भी नहीं दिख रहा है? स्कूटर भी की तो मैं मम्मी हाँ? चाबी नहीं दिख रही है मम्मी, स्कूटर भी नहीं दिख रहा। तुझे चाबी देखनी है या स्कूटर देखना है? दोनों हाँ? वो तो तुम्हें नहीं दिखेंगे। क्यों? गुलाब ससुराल लेकर गया है। मम्मी मुझे भी ससुराल लेकर जाना था। तुम सभी यही करते हो, ढंग का काम मत करना। एक तुम्हारा बाप है जो ससुराल जाता नहीं, एक तुम चाचा भतीजा जो वापस नहीं आते। याद रखना मेरी बात, किसी दिन ससुराल से ऐसे भगाए जाओगे जैसे चौक से कुत्ता भगाया जाता है। घूरता किसको है, ले जा अपनी बीवी को साइकिल पे, ससुराल जाना इन्हें। नाना जी बल्ले 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 बल्ले, आशीर्वाद दीजिए नाना जी। गीतारा बेटा। नमस्ते पापा जी। स्कूटर की आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि तुम आ गए हो। लो जी मैं दरअसल निर्मल के लिए रिश्ता लाया हूँ। हम तो तुम्हारे भाई की राह देख रहे थे, वो भी तो रिश्ता लाने वाला था। हाँ वो करवा देंगे रिश्ता आपके बेटे का, मेरे पिताजी अब भी बोलते हैं कि आपने 100 झूठ बोल के उसका रिश्ता करवाया है। वो बैठा है। शाबाश बेटा, शाबाश। लो आ गए। बहुत अच्छे बेटा, तेरा रिश्ता किसने कराया था बे? वो तो भगवान का संयोग लिखा होता है, अपने आप ही हो जाता है जहाँ होना होता है। तो संयोग बनाया किसने था? आपने। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। बात सुन भतीजे, जो आदमी तेरे जैसे बंदे का रिश्ता करवा सकता है ना, वो सबका करवा सकता है। जो रिश्ता मैं लेके आया हूँ ना, वो लड़की बहुत सुंदर है। अच्छा तो मेरी वाली की क्या चेचक के दाग है? हमने तो उनसे शगुन भी ले लिया है। तो क्या हो गया, उन पैसों से कुछ लेकर खा लो, कौन सा बहुत ज्यादा होगा। ये तो अपने डैडी जी का तलाक कराता फिरता है, कहता है कि दादी जी को छोड़ दे, मैं दूसरी शादी करवा दूंगा, अंगूठी का लालच है अंगूठी का। बात करते हो, रिश्ता तो वही होगा जो मैं करवाऊंगा। मैं 10 तोले सोना चढ़ाऊंगा बस, मेरे वाले तो 20 तोले लेकर घूम रहे हैं, पूछ लो अपनी बेटी से। स्कूटर दिलाऊंगा, मेरे वाले ने तो ट्रैक्टर की तैयारी कर रखी है। निर्मल के साथ चंदा का भी रिश्ता करवाऊंगा। लो कर लो बात, मैं चाचा के साथ इन तीनों की शादी करवा दूं, आप बोलो। भाई मुझे तो इसकी बात में कुछ ज्यादा ही दम लग रहा है। बात तो मुझे भी अच्छी लगी। गुलाब सिंह बेटा तुम जरा दिमाग पर और जोर डालो,
लड़कों से पहले इसकी ही करवा दो, शर्म नहीं आती। अच्छा गुलाब, तेरा रिश्ता कौन से गांव से है? ये है जी वो अपने ये गांव में ऐसा क्या रखा है, गांव चाहे जो भी हो, जो भी गांव होगा वहीं करवा देंगे ना। मैं तो किसी भी गांव में चला जाऊं उस गांव के लोग मुझे बाहर नहीं निकलने देते, कहते पहले हमारी लड़की का रिश्ता करवा फिर जाने देंगे। और तुम ऐसे बोलते हो, लोग लड़की पैदा करने से पहले मुझसे पूछते हैं कि रिश्ता करवाओगे तो लड़की पैदा करेंगे। भाई साहब, बेटा लड़की अभी ढूंढी नहीं, इसे ढूंढनी है। मैंने ढूंढ रखी है, निर्मल के साथ चंदा के लिए भी दो बहने हैं, बाप पंच है, लेन देन में भी अच्छा है, ऊंचा खानदान है। मैं तो कहता हूँ आंगन में खुशियाँ आ जाएंगी, खुशियाँ। बेटा निर्मल की ना उम्र निकल रही है, ऐसा करते हैं भाग सिंह का रिश्ता ले लेते हैं। कर लो जो भी आपकी मर्जी है, मेरा क्या है, बाद में पछताओगे। कोई नहीं बेटा, चुप कर। अब तुझे क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा से कह दूँ। क्या? तारा मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? क्यों? शादी के बाद ना सारे घर वाले दारू पी के मारते हैं, और मैंने सुना है गालियाँ भी देते हैं। ऐसे कैसे देंगे गालियाँ, और सब ना एक जैसे नहीं होते, और हमारी शादी तो एक ही घर में हो रही है, अगर कुछ कहेंगे तो पूरे परिवार को घुटनों के नीचे दबा कर ना पीटेंगे। लड़के तो दोनों बहुत सुंदर है जी, भगवान की कृपा से दोनों भाई कमाते भी अच्छा है जी, आपकी दोनों लड़कियां राज करेंगी, खानदान भी बहुत अच्छा है जी। ऐसे परिवार तो बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलते हैं जी। जी बिल्कुल, लड़के तो बहुत ही अच्छे हैं, हमको ये रिश्ता मंजूर है जी। लो जी, मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से देख लो जी। अभी जवाब देना है तो दे दो जी, कल को कुछ इधर उधर हो जाए तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, लड़के तो दोनों ही आपके बहुत सुंदर हैं, अगर कुछ कमी होती तो हम हाँ ही नहीं करते ना भाई। कोई कमी क्या, बैठे बैठे पता चलेगी, बाहर जाके पता चलेगा ना। आप अपनी लड़की को शादी के बाद वापस ले जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? अभी जवाब देना है तो दे दो। क्यों जवाब देना जी, क्यों रिश्ता तोड़ना है? ऐसा खानदान तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे रिश्ते दिया लेकर घूमो तो भी नहीं मिलते। देखो जी मैं कह रहा हूँ अच्छे से देख लो, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। तो अच्छे से देखने के लिए क्या गोद में बिठा के देखे लड़कों को, जब तुझे देखना चाहिए था तब तो हमने देखा नहीं तुझे। क्या कहा है? देखो जी आपको भी रिश्ता पसंद है, हमें भी, फिर देर किस बात की, अरे भाई मुंह मीठा करा। मेरे देश में हो, मेरे देश। क्या हो गया तुझे? मेरी शादी पक्की हो गई। शादी ही पक्की हुई ना, तू इतना हाफ क्यों रहा है? और शादी तो भाई की है। नहीं नहीं मेरी भी होगी भाई के साथ। क्या बात है भाई, क्या एक ही लड़की से दोनों भाई शादी करोगे? अरे नहीं नहीं हा? जैसे हम भाई भाई हैं, वो दोनों बहने हैं। अच्छा तो एक ही खेत की फसल है, अब आएगा मजा। अरे छोड़ दे अब मुझे, कुछ बचा के भी रख ले, बाद में काम आएगी। भाई सो तो नहीं गए? भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। भाई कितना मजा आएगा, हम दोनों की बारात एक साथ जाएगी, एक जैसा सहरा पहन के, एक जैसा पग बांध के। भाई बैठक मेरी, चबूतरा तेरा, मैं अपनी बीवी से कह दूंगा सुबह का खाना वो बना दिया करेगी, रात का खाना अपनी बीवी से बनवा लेना। क्या भाई तू तो बड़ा सियाना है, तुझे चाहिए कि तेरी वाली सुबह खाना वाना बना के फ्री हो जाए कपड़ा लाने के लिए, और मेरी वाली फंसी रहे चूल्हे पर आधी रात तक। भाई एक और बात बोलूं? भाई हम दोनों की एक साथ शादी होगी, फिर हम दोनों के बच्चे भी साथ। जैसे तेरे लक्षण है तेरे ही होंगे, पहले सबर नहीं है इसको। भाई जाग रहा है? भाई यार मैंने अपनी वाली तो देखी भी नहीं अभी तक। ओए बस मेरे जैसे ही होंगे, बस दाढ़ी मुझे नहीं होंगी उन्हें। ओए सो जा, चुप कर, चुप, सर दर्द कर दिया। चाचा जी क्या करूं, नींद नहीं आ रही। ओ तेरी तो लटका है मेरी। आ गई चाचा जी, आ गई, अब आ गई। अरे मैं सो गया। हुँ।
ना, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, कह रहा हूँ ना मैं। आप तो लोगों को घर बुला के बेइज्जती करते हो। पहले तो आपने टूटी फूटी जलेबियां मुझे खाने के लिए दे दी, और उसके बाद फीके गुलाब जामुन दे दिए खाने के लिए। और चटनी के साथ गुलाब जामुन खाएगा तो फीके ही लगेंगे ना। अरे मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। अच्छे लोगों की तो कदर ही नहीं आप लोगों को, पागलों के पीछे भागे जाते हो आप लोग। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर। बेटा तू मत जा, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुझसे। मांग लो माफ़ी, 100 बार मांग लो। पहले रिश्ता भी ले लिया चाचे वाला। मैं कहती हूँ मान जाओ, क्यों जिद कर रहे हो? जैसे तैसे तो मेरी भाइयों की शादी हो रही है, और सब कहते भी हैं जो कलेश करते हैं ना उनका मुख काला हो जाता है। तुझे रहना है तो रह लेना यहाँ पे, मैं तो अभी जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। मैं चला रहा हूँ। मैं जाऊँगा। फिर चलो जब सब लोग इतना ही कह रहे हो तो रुक जाता हूँ मैं। पर मैं आपको बता दूं कि मैं बंदा बहुत जिद्दी हूँ। वही तो, एक बार कह दिया कि जा रहा हूँ तो मैं चला ही जाता हूँ। ये तो चाचा जी ने मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के रोक लिया, अब इसलिए रुकना पड़ा। क्या करते, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाके चाय बना के लाना। जा जल्दी जा। जा बेटा जा। शक्कर पारे भी ले आना साथ में। ये ले बेटा, ये तेरी ननद का सूट है, और ये अंगूठी तेरे नंदोई के लिए है। ये देख, ठीक है ना? इतना सामान देने की क्या जरूरत है? इतनी सुंदर लड़कियां हैं हमारी। ना भाई, ये तो बेकार के रिवाज हैं। एक तो अपनी लड़की दो, साथ में इतना सारा सामान भी दो। क्या करे बेटा, ये सब तो करना ही पड़ता है। तू कह देना अपनी माँ से तुझे नहीं देंगी। वो पकड़ा दी मुझे। आ गए जी। हाँ, लो पकड़ो गहने। दीजिए। क्या बात है बेटा, उदास क्यों बैठी है? पापा उधर मेरा मन नहीं लगेगा। मन तो हमारा भी नहीं लगेगा बेटा, हमारा भी बस चले तो तुम्हें कभी ना भेजे वहां। पर क्या करे बेटा, इस दुनिया की यही रीत है। मम्मी, आज चन्नो के खाने की थाली में किसका नाम लिखा हुआ है? निर्मल सिंह। मम्मी, इसे भी पता लग जाएगा जब इसके वाले का नाम लिखेंगे, शिंदा। सबर कर बेटा, ये जो खींचे जा रहा है ना, वो मेरी चोटी है, तेरी घरवाली की तो ये है। ये
लोग कब सोएंगे? तू मेरे साथ सोएगा आज? मेरा मतलब समझे नहीं आप। थोड़ा ठंड रख, रस्में खत्म तो हो जाने दे, सो जाएंगे हम लोग। अरे ये तो बहुत पीते हैं, आधा ड्रम खत्म कर दिया। इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ मैं, जितना आप लोगों ने मुझे बना दिया है, आपके जरिए रिश्ता करवा के मेरी बेइज्जती कर दी उन लोगों ने। ऐसा तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता है जितनी आप लोगों ने मेरी की। जब बारात में लेके जाओगे तो मेरी सेवा नहीं करवानी थी, तो क्या मुझे मंजीरे बजाने के लिए ले गए थे क्या? अरे क्या हो गया, क्यों इस माहौल में मनहूसियत फैला रहा है? क्या हुआ मुझे भी बता। तू तो ये पूछ के क्या नहीं हुआ? ठीक है तो बता क्या नहीं हुआ। मुझे बारात में ले जाकर मेरी बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती? हाँ। समझ रहा है ना बेइज्जती? वही जो तेरे साथ हुई है। ये बंदा इस घर का सबसे स्याणा बंदा है। हम तो अपने घर में ऐसा पोंछा भी नहीं रखते जैसा इनके ससुराल वालों ने मेला कंबल दिया है मुझे। ये तो फिर निर्मल के ससुराल वालों के कसूर हुआ ना? ना ना डैडी जी, ज्यादा चालाक मत बनो। कसूर सारा आपके बड़े दामाद का ही है, इसने अपनी औकात के हिसाब से लड़की पकड़ा दी आपको। अब बात सुन उल्लू के पट्टे, अगर तेरी शादी इनकी बेटी से हुई है ना, तो मेरी भी शादी हुई है इसी घर में। आखिर बड़ा दामाद हूँ मैं इस घर का। चाची जी के सामने तो बोलती बंद हो जाती है। मैं तो जीजा जी के साथ हूँ, वो है फुफा जी और तुम हो जीजा जी। जिंदाबाद। ज्यादा पी ली इसने? अरे इतनी कितनी पिला दी आप लोगों ने, इससे ज्यादा तो हम अपने कुत्ते को दूध पिला देते हैं हर दिन। अरे बेटा देखो ऐसा नहीं कहते हैं। भाई जी मैं तो कहता हूँ कि हमारे बड़े दामाद जी और छोटे दामाद जी दोनों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इन दोनों को पहले डाल दो। क्या पेग जी? अंदर तो दामाद जी सोएंगे, तू बाहर सो जा। तो मेरी वाली कहाँ सोएगी? ऊपर चबूतरे पे। तो भाई की किधर सोएगी? वो भी चबूतरे पर। दोनों की दोनों ऊपर चबूतरे पर। तंग मत कर। अरे मेरी बात तो सुनो माँ। अरे भाई क्या कर रहा है यार, आजा इधर आजा, बाकी सबको तो सोने दे, सबको सुबह जल्दी उठना है। शुक्र है तू इधर सो रहा है। मैं नहीं यार, मैं तो चबूतरे के पास ही सोऊंगा। ठीक है जहाँ मन करे वहाँ सो। एक मिनट जरा हटिए ना। शिंदा तू यहाँ नहीं बैठेगा। बारा 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 आजा आजा, कमाल है, चला जा तू बैठ, आजा जा तू बैठ जा। चल बेटी थोड़ा उधर खिसक जा। अब थोड़ा साइड हो जाओ। तू उधर हट। अरे प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ। अरे तुझे कहा ना बाहर निकल। कितना समझाऊंगा भाई, नहीं मुझे अंदर बैठना है। चल भाई गाड़ी निकाल। आजा आजा बैठ जा। मम्मी मुझे क्यों नहीं ले गए? मुझे भी साथ जाना है। अरे बेटा तू नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकता, भाई भी तो गया। अरे भाई की शादी हुई है इसलिए गया। मेरा थोड़ी कुछ और हुआ, मेरी भी तो शादी हुई है। मैं तुझे बताती हूँ, बड़ी बेटी का इंतजाम तो हो गया, छोटी के लिए अभी सामान वगैरह बनाना बाकी है। उसका क्या मतलब? बिस्तर कपड़े वगैरह। मैं बिना बिस्तर सो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। मेरी भी लेके आओ। मेरी बात सुन पगले, एक साल बाद होगा तेरा गौना। आ चल अंदर, आ जा अंदर मेरा बेटा। अंदर आ जा, कुछ खा ले। तेरी वाले तो मांगे हुए बर्तन की तरह वापस चली गई। 96 97 98 99
एक फिर कम होगा यार, तीन बार गिन चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। अरे ये देख, ये क्या है? प्लेट पिचकाने से बेहतर है जाके फूफा जी का गाल पिचका दे। लोगों की कुंडली में शनि बैठा होता है, इसकी कुंडली में तो चौकड़ी मार के इसका फूफाई बैठा है ऐसे करके। अगर ये रिश्ता मैंने करवाया होता तो क्या मजाल थी कि लड़की वाले इसकी दुल्हन को एक साल के लिए वापस ले जाते। बात तो तुम्हारी सही है छोटे दामाद जी, गौने का ये टंटा अगर शादी के साथ ही निपट जाए तो अच्छा है, नहीं तो कांच का गिलास देखा है ना, नहीं तो डर ही लगता है कि कब हाथ से फिसल जाए, ठीक है ना दामाद जी? अरे ले जाओ, अरे लड़कियों रोटी ले जाओ ऊपर चबूतरे पे, और बादाम वाली खीर भी ले जाना कटोरी में डाल के। ओए तू भी कोई मूली उली ले ले, खीरे वाले तो खीरे खाए जा रहे हैं। लो भाई पकड़ो। जी जी मुझे मत पिलाओ, मैं भड़का बैठा हूँ, मुझे चढ़ जाएगी। ये चढ़ेगी तो गुस्सा कहाँ चढ़ेगा हैं? पकड़। दामाद जी हर रोज सेवा नहीं करते हैं, वो भी ससुराल में आके, क्या याद करोगे आप लोग? बाकी सब तो ठीक है शेरा, पी तो ले, पर गुस्से में आके उस बिचौलिए का कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि कसूर उस बिचौलिए का ही है। बंदे में दिलेरी होनी चाहिए जैसा मुझ में है। मेरे वाले बिचौलिए का तो कसूर भी कुछ नहीं था जी, फिर भी मैंने मंडी के बीच में पीटा था उसे। इसे कहते हैं मर्दों वाली बात। बाकी भाई हमारी कौन सुनता है, तो मैं दामाद ही ना इनका, वो भी छोटा वाला। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता दामाद जी, दामाद तो दामाद ही होता है। वो मधुमक्खी बड़ी छोटी सी होती है, डंक मार देना तो बहुत जलता है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, तुझे तो बहू का मुंह भी नहीं दिखाया होगा उन्होंने। मेरी बात मान, अब शेर बन शेर, बिचौलियों की टांग और ये रिश्ता दोनों को तोड़ दे। वो करेगा टांग पे प्लास्टर और मैं करूंगा तेरा रिश्ता। भाई फिर मेरा गौना भी आ जाएगा? ले गौना तो ससुराल से पहले आएगा, शादी भले ही दो दिन लेट हो जाए, तुझे तो बेटा उन्होंने अभी तक बहू का मुंह भी नहीं दिखाया। मैं तो तुझे तेरी सारी सालियों से भी मिलवा दूंगा रे, फिर अपने ससुराल भी अकेले ही जाएगा। बाकी एक बात और है भाई, चार पाई पे चढ़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं क्या करना है, उधर खड़े होकर मर्दों की तरह अपने फूफा को जी भर के गालियां देनी है। इसे जरा हटा दो चाचा, मर्द को जाना है यहाँ से। ये बढ़िया रास्ता, अब एक गिलास पी के देखो ये कैसे सबकी खटिया खड़ी करता है। हो जाओ शुरू। कौन कहता है मेरा गौना नहीं आएगा? आएगा गौना आएगा, एक नहीं दो दो गौने आएंगे, मेरा जीजा लेकर आएगा, मेरा बड़ा जीजा लेकर। हाय हाय बुआ जी, ये बड़ा जीजा कौन है? अरे मुंह बंद कर अपना, पी हुई है उसने, भौंकने दे उसे। देखो जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई भी ये मत समझना कि मैंने भड़काया इसे। इसके अंदर बहुत गुस्सा है, आग है आग। उधर बैठ के कह रहा था कि फूफा को पीटना है, फूफा को पीटना है। उधर बैठा है, ठीक है भाई, रुक मैं आता हूँ। निर्मल जा संभाल उसे। बात सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी घरवाली का मुंह दिखाओ, मुझे मेरी घरवाली का मुंह दिखाओ, मुझे मेरी घरवाली लाके दो पुप्पा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो पागल हो गया है क्या? और क्या करेंगे ये लोग तमाशा करने के अलावा। जी आपके दोनों लड़कों की शादी हो गई, आपकी चिंता खत्म। ओए करतार मेरी बात सुन, मेरे बेटे का भी रिश्ता करवा। भाग सिंह से बोल, ये तो बड़े ही अच्छे रिश्ते करवाता है। अरे करवा देंगे क्यों फिकर करती है, कह दूंगी भाग सिंह को। ठीक है फिर,
मैं तो लस्सी लेने आई थी, मैं चलती हूँ, ना तो सोनू के पापा कहेंगे, वहीं जाके बैठगी। जल्दी जा, जा जल्दी फिर। इसके भी बेटे का घर बसाई देते हैं। अरे नहीं नहीं, वहां दे ना, बस बस। मुबारक हो बड़े दामाद जी, तुम्हारी नई अंगूठी का इंतजाम हो गया। नहीं नहीं, बस बस, और नहीं। बस, बस, उधर बंदर का नाच चल रहा है जो सब उधर लगे हुए हो। अरे इधर भी देख लो भाई। ओए क्या बात हो गई छोटे दामाद जी, आपको पता है ना कि मैं कल रात से रूठा हुआ हूँ। अरे बेटा हमें तो पता ही नहीं। तो अब लग गया ना पता? लग गया, अब तो पता लग गया। तो अब आपको किसी ने रोका है क्या? अब उठ के आ जाओ और मना लो अपने दामाद को, पकड़ लो पैर जिसको भी पकड़ने आके। लो भाई, सुख शांति के साथ अपने सारे काम हो गए। लो फिर इसी खुशी में लड्डू खाओ। भाई साहब आप मुझे ये बताइए, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, वो तो उस परिवार में घुल मिल गई है एकदम, बहुत खुश है। बस जी, ऊपर वाले के सामने यही अरदास है कि दोनों परिवार में ऐसे ही प्यार बना रहे हैं। सब ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ। उन्हें तो बस अब तारा का इंतजार है। अच्छा। ये लो, ये तो तेरे इंतजार में है। वैसे तू कहे तो मैं मासी से बात करूं, तुझे भी भेज देते हैं तेरे ससुराल। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। अरे उस बिचौलिए के साथ कब तक घर में ऐसे बैठी रहेगी तू? मासी सुनो तो। चुप रहेगी कि नहीं? मासी सुनो ना, चुप कर, क्या ये कह रही कि चुप हो जा। अरे उठ जा बेटा, भैंसों को चारा डाल दे। शिंदा उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है। बेटा उठ, उठ जा, तुझे खेतों में जाना है कि नहीं? भाई को बोलो वो चला जाएगा। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी अब शादी हो गई है। उठ बेटा, उठ जा। मेरी भी तो शादी हुई है मम्मी, कि मेरा कुछ और हुआ है? उसका गौना हो गया बेटा, तेरा अभी बाकी है। ये ले बेटा चाय पी ले और कपड़े बदल ले, मेरा राजा बेटा है तू। अब नीचे आ जा, नहीं तो क्या बच्चे करके उतरेगा। क्या बात है, इतना शर्मा क्यों रही हो मुझसे? मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। पर जो लड़का दारू पीता है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लो फिर छोड़ दिया आज से। एक बात कहूं छन्नू, बोल मैं मिश्री सांस में सुगंध, जुल्फे नांग की तरह, और होठों पे शर्मीली मुस्कान, आंखों में हल्की सी शर्म, तुम तो ना बस परियों को भी मात दे दो। इतनी सुंदर लड़की इस पागल जट के नसीब में लिखी थी भगवान ने, शुक्र है तेरा भगवान, यकीन नहीं होता। अरे बेटा नीचे आ जा। रुक जाना, मम्मी बुला रही है। चाचा जी मुझे तो गौना शब्द से नफरत हो गई है, जो भी गौना गौना करता है ना, मुझे लगता है मुझे छेड़ रहा है, मन करता है कि पटक दूं उसे। ओए भतीजे इतना गुस्सा मत किया कर, थोड़ा शांत रहे। भाई अभी तो जाने दो। क्यों तुझे गौना लेने जाना है, बैठ जा चुपचाप। तेरी तो मैं कमीने कहीं के, बोल 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 गौना, छोड़, बोल क्या कहते हैं, अरे बोल गौना, अरे क्या कर रहा। अरे गरीब को मत मार बेटा, शराब लग जाएगा तो गौना कभी नहीं होगा तेरा। उठ जा भाई, ये तुम्हारा, उठ 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 भाई। बोला बोला पानी लाके दे भाई को। वैसे पानी से श्राप कम नहीं होगा, उससे उसी तरह मार खा जैसे तूने मारा था। अरे ऐसी थोड़ी होता, मार खाने तो देते। एक बात करनी है आपसे, मैं ना दातुन है ना, दातुन जूठी है। ये ले बेटा चाय पी ले। बता। पोपा जी मेरी बीवी का मुंह दिखा दो, आपने तो रिश्ता करवाया था, उसका चेहरा दिखा दो एक बार मुझे। सारी उम्र पैर धो धो के पीऊंगा। क्या बात है बेटा, तुम चाहते हो मैं तुम्हें ससुराल लेकर जाऊं और तुम्हारी बहू का मुंह दिखाऊं और अपना मुंह काला करवाओ है? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? तेरी तो काली है, मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर, सबर कर थोड़ा, बात करता है, चल जा। हमने कौन सा उसका गुगल उठा लिया था, 10 महीने में तेरा गौना हो जाएगा, फिर देख लेना उसका मुंह। मुंह देखने चला है, मुंह देखना है।
ओए शिंदे। हाँ? मैं तेरे ससुराल जा रही हूँ चकबकतुआ में, जगदेव के घर, और अभी तक बस नहीं आई। कोई नहीं दादी जी, आ जाओ, मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ, आ जाओ। अच्छा। भाग के पिताजी के साथ मैं ऐसी जाती थी, वो साइकिल लेकर चलाते रहते थे। फिर क्या, फिर गांव पहुंच जाते थे। अच्छा दादी जी, आपका गौना कितने दिनों में हुआ था? 4-5 साल बाद हुआ था। 4-5 साल बिना गौना के? इस बीच दादाजी आपसे कभी मिले नहीं? लो, ऐसे कैसे मिल लेते, खूब चक्कर लगाए, संदेशा भेजा, पर मैं कैसे मिलती। मैं भी अपनी जवानी में बहुत सुंदर थी, और उस पर पिताजी मेरे सख्त और भाई मेरे और भी ज्यादा खड़ूस। अरे 15 गांव डरते थे, तो मैं भी डरती थी। इसका मतलब दादाजी कभी मिल नहीं पाए? ना बेटा। ले बेटा, आ गया तेरा ससुराल। बस बस, रोक ले। उतरो दादी जी। सिंदे, चाय पी के जाना। अरे खोलो भाई दरवाजा। नमस्ते दादी जी। जीती रहे बेटा। हाय, मैं मर गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना चेहरा दिखा दो यार। नहीं, मुझे शर्म आती है। बस एक बार दिखा दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी जी। बस एक बार दिखा दे, एक बार दिखा दे, फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं यार, दिखा दे यार, मेरा दिखा दे ना, दिखा दे ना, एक बार दिखा दे ना, अरे दिखा दे। किसको देख रहा है तू? बहू को। दिखा दूं तुझे बहू का मुंह? शर्म नहीं आती तुझे? गौना तेरा हुआ नहीं, और बहू का मुंह देखना है? मुंह तो मैंने भाग के बाप को ना दिखाया था, तो तू अपनी बहू का मुंह कैसे देख लेगा? खुद चली जाऊंगी मैं। पागल बना फिरता है, कैसे लक्षण है? कलाई मरोड़ दी इसने। खुली आंखों से किसके सपने देख रहा है यार? भोला, तेरी भाभी के गांव में भी चांद ऐसे ही चढ़ता होगा। नहीं, भाभी दूसरी दुनिया में रहती है। अरे वहां भी ऐसे ही निकलता है यार। पता है मेरा दिल क्या कहता है? मैं ना खेतों में पानी डालने जाऊंगा, तेरी भाभी पत्ते लेके आएगी। मैं पत्तों को काटूंगा और वो मेरी मदद करेगी। हाँ हाँ। मैं भैंसों को खाना खिलाऊंगा, वो दूध निकालेगी। और तुझे घरवाली चाहिए कि नौकरानी? मजाक मत कर यार। भोला यार, सपने में इतनी अच्छी लगती है, असल में कितनी सुंदर होगी वो। बस अब तू ये पूरा साल सपने में ही बिता दे। ऐसे कैसे सपने में बिता दूं यार, तेरा भाई तुझे असल में देख के दिखाएगा। चल देखते हैं फिर। पहले हमारा घर भरा भरा लगता था, अब तो एकदम खाली हो गया है। जब से चन्नो यहाँ आई है ना, घर काटने को दौड़ता है। मेरा तो जी ही नहीं लगता इसके बिना। हाँ जी, अब तो उधर तारा का भी जी नहीं लगता अकेले में। कोई बात नहीं, तारा भी यहीं आ जाएगी, फिर दोनों बहनों का जी साथ में लगेगा। हमारा भी बिल्कुल जी नहीं करता उसे छोड़ने का। जब से आई है ना, सबके मन को भा गई है। लगता ही नहीं है कि अभी आई है, ऐसा लगता है यहीं पली बड़ी है, बस मुस्कुराती रहती है, एकदम घुल मिल गई है। हमने तो पिछले जन्म में जी कोई मोटी दान किए होंगे, जो हमें इतने अच्छे संधि मिले हैं। आपने सही कहा संधि जी। मैं पहना था? मैं पहन लूंगी जी। भाई नीचे आवाज लगा रहे हैं आपको कोई। कौन कौन बुला रहा है? पता नहीं, कोई नीचे आया है। कमाल है यार। भाभी। हाँ? मायके जा रही हो? मुझे कुछ सामान देना है, मेरी वाली को दे दोगी क्या? ये क्या है? नहीं, हाँ? तुम मत खोलना, मैं एक बार देख लूं। नहीं भाभी, मेरी वाली से कहना ये मैंने सुनार से खास उसके लिए बनवाया है, पांव धोकर पहनने के लिए। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना है उससे? हाँ भाभी, मुझे उससे कहना है कि फिर। अरे बेटा जाना नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है, मैं कह दूंगी। ओए कौन बुला रहा था मुझे? था कोई, पता नहीं कोई आवाज दे रहा था, सच्ची बुला रहा था कोई। आवाज नहीं आएगा। चलो चलो, मेरी चीज दे दे वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। सुन मेरी बात। मैं नहीं दूंगी। अरे रुक जा। अरे क्या कर रही हो? अरे शादी हो गई है, इसके पास बस लोगी जैसे हरकतें कर रही हो। अरे शर्म नहीं आती क्या? अरे छोड़ मम्मी, मम्मी मेरी चीज है इसके पास। मम्मी पूछो ना क्या चीज है। अरे क्या है मम्मी? ये पायल की बात कर रही है। हे भगवान,
अरे बेटा ये तेरे पास कहाँ से आया? मम्मी ये मेरे देवर ने दी है इसे देने के लिए। और पता है क्या कहा है? कहा है उससे कहना कि पांव धो कर पहने। अब रहने दे, बहुत काम है मुझे। मम्मी एक बात बताओ, पापा ने कभी आपको कोई निशानी दी है? हाँ दी है निशानी मुझे। बताओ ना। उन्हें कहाँ पता निशानी के बारे में? क्या शर्मा रही हो, बोलो ना। हाँ दी है। क्या दिया है? दी है मुझे निशानी। क्या? ये टोकरी। इस घर के काम करते करते मेरी तो जिंदगी बीत गई। मुझे पायल पहना दी सजन, मिचम मिचम नच दी फिरा। मुझे पायल पहना दे सजना। अब आ जा और सो जा। कौन सा शिंदा है जो देखे ही जा रही है। अच्छा भाई मेरी बात सुनो। भाई तू तो ससुराल गया था ना, पता ना मेरी वाली कैसी है? हाँ मैंने अपनी साली को देखा है, वो तो बस ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक तो तुम्हारा देवर होगा, मेरा वाला तो जीजा जी से भी ज्यादा अच्छा होगा। अगली बार जब भाभी को लेने जाएगा मुझे भी अपने साथ ले जाना। अगर मैं तुझे साथ ले गया ना, चाचा जी जैसा हाल होगा तेरा। शादी होकर रह जाएगी, गौना बोल जा। अगर मुझे गौने से पहले देख लिया तो पापा कुछ बोलेंगे तो नहीं ना? तारा सो जा, पापा क्या कहेंगे, तेरा घर वाला है, सो जा। भैया अगर बंदा गौने से पहले अपने घर वाले को छेड़ दे तो उसके घर वाले और गांव वालों से पीटते तो नहीं? ना अगर नहीं छेड़ो ना फिर पीटते। मम्मी भाई और भाभी नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे बेटा, आ ही रहे होंगे। कब तक आएंगे मम्मी? तू बार बार क्यों पूछ रहा है? आ जाएंगे, तू रोटी खा ले। आ गए। भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। मम्मी डैडी भी? मम्मी पापा भी ठीक हैं। बाकी सब भी ठीक हैं? गाय बछड़े सब ठीक हैं। पागल तेरी पोना मम्मी जी। जीती रह बेटी, सदा सुहागन है, खुश रह मेरी बच्ची। भाभी या तो बहुत पागल है या तो बहुत चालाक है, बात ही नहीं समझती। देवर जी इधर आइए। हाँ भाभी। आराम से बैठ जाओ, जिसके बारे में पूछ रहे थे ना वो भी ठीक है। और तारा ने तेरे लिए ये भेजा है, मेले से लेकर आई थी। भाभी छोटी है। अरे पागल इस उंगली में पहनते हैं। अच्छा चाचा जी जब आपका गौना हुआ था तो... ओए कहाँ हुआ गौना, बीच में नहीं रह गया था? हाँ मेरा मतलब है कि जब आपका गौना बीच में रह गया था तब आपने चाची को देख लिया था? बस एक बार कोशिश की थी। देख ली फिर? तुझे तो पता है तेरा चाचा जब भी जाता है सीना ठोक के जाता है। काम हुआ फिर? नहीं, उसके बाप ने मुझे घर भेज दिया और बेटी की शादी कहीं और कर दी। फिर मैंने सोचा कि भाई जब वही मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं ही रो रो करके जीवन क्यों बिताऊं भाई। भाई मेरी जिंदगी का तो तजुर्बा है कि गौने का टंटा शादी के साथ निपट जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होना है जिंदगी का। मतलब गौने से पहले कभी किसी ने लड़की को नहीं देखा है? अरे नहीं भाई, वो मन्ने का बेटा देख ले उसे। हाँ? कितना हिम्मत वाला निकला। अरे वो गौने के पहले ही सीना ठोक के ससुराल चला गया। वो देख ले ऐसा है वो है? क्या बात है चाचा जी, मजा आ गया। ओए ओए, ओए फालतू का बैठकर बातें करवाते रहते हो, मुझसे कोई काम नहीं क्या मुझे? ओए बोला चल तेरी भाभी को देखने जाना है। भाभी ना हो गई, गांव का मेला हो गया जो देखने जाना है। भाई चले तो जाएंगे पर कहीं तेरा हाल भी तेरे चाचा जैसा ना हो जाए। क्यों मन्ना के बेटे मिठे जैसा नहीं हो सकता? ये तो उधर जाकर ही पता चलेगा कि मिठे के जैसा होगा कि चाचा जी के जैसा। बकवास मत करो, जल्दी चल चल जल्दी उठ। पर प्याज रोटी में नहीं भर सकता। अरे उसे वहीं छोड़ दे और आजा मेरे साथ। वो चेन चढ़ा ले। राम राम। राम राम। जीते रहो बच्चा।
माता रानी, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? बेटा क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों बैठा है? अरे बोलना बेटा, कौन सी चुड़ैल ने जकड़ लिया है तुझे? ये तो खुद ही चुड़ैल के पीछे भाग रहा था। हाँ जी, मैं लेके आता हूँ भूत भगाने वाले को, फिर ठीक हो जाएगा ये। जा बेटा, जल्दी जा बेटा। बस अभी लेकर आता हूँ। मैं भी जाती हूँ और बाबा जी वाला पानी लेकर आती हूँ। बस अभी आती हूँ बेटा, इसको थोड़ा दूध वूध पिला दे। हाँ मम्मी जी। मैं अभी आती हूँ, इसका ध्यान रखना। ओए पागल, तूने तो मेरे सारे अरमान बर्बाद कर दिए। जिन हाथों से मुझे शगुन मनाना था उनसे अब दवाइयाँ पिलानी पड़ेंगी। ये ले शिंदे, दूध पी ले थोड़ा। अरे तुझे हुआ क्या है, ऐसी कौन सी चुड़ैल देख ली तूने? शिंदे, शिंदे। चुड़ैल नहीं भाभी, मैंने आपकी बहन देख ली। मेरी बहन देख ली? सच्ची भाभी, भगवान कसम बहुत सुंदर है आपकी बहन। हाय मैं मर गई। अरे तू मेरे घर गया था? हाँ हाँ। वो भी दिन दहाड़े? अगर अगर तुझे पापा देख लेते ना तो तेरा मुंह तोड़ देते। हे भगवान। मेरी बहू कहती है कि वो अपना गिल्ले का भतीजा कितना सुंदर है, सुंदर। इसने ही देखा है उसे, उसने नहीं देखा गिल्ले के भतीजे का मुंह। चाचा जी, अब आप ही भतीजे का मुंह अपनी बहू को दिखा दो। चाचा जी के पास बड़ी दूरबीन है। इस धरती पर ना तेरा मुंह उसे एक ही बंदा दिखा सकता है। वो कौन है? वो है साइकिल इधर ही खड़ी कर दो। क्यों, चोरी होने का डर है? कहीं पंचर हो गई तो? किधर? मेरे पीछे पीछे आओ। बस आपके पीछे ही है। मेरे पीछे पीछे। चाचा जी चाचा पेड़ों पर जो टॉर्च मार रहे हो, मैं भी कोई कबूतर थोड़ी है जो आधी रात को पेड़ के ऊपर बैठी होगी। मेरे साथ मजाक नहीं। चाचा जी फिरंगी मैम को देख रहे थे, अभी भी अकेले हैं। मजाक मत करना वरना दूंगा खींच के बस चपात। सब जानते हैं कि मैं जिससे हाथ मिलाता हूँ कभी छोड़ता नहीं। मिल गया मुझसे। चाचा जी पेड़ को छोड़ दो, उसके गले क्यों मिल रहे हो? ध्यान से कहीं कोई देख ना ले हमें। ध्यान से कहीं कोई देख ना ले हमें। शांति से संभाल के चाचा। संभाल के चाचा। आराम से आजा। ओ भतीजे। हाँ। पता कैसे लगेगा कि तेरी वाली कौन सी है? अरे ये सूंघ के देख लेगा। चाचा जी वो गुलाबी चुन्नी वाली, दो नंबर वाले। धीरे धीरे। ठीक है चाचा जी, मैं जाऊं। ठीक है, शाबाश। जीते रहे मेरा बहादुर बेटा। भतीजे, मैंने एक बात सोची है। हम रहने दे क्या? बड़ी जल्दी सोच ली चाचा। चल जी, मुझे मिलना है उससे। चल फिर, जा फिर जल्दी। अरे जा। अरे बाप रे।
अब क्या होगा? ओ भाई कौन है तू? मैं बापू वो गुरनाम का बेटा। भैया शोर किस बात की है? पता नहीं बापू, मुझे लगता है दो बंदे पकड़े गए हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे भाग रहा है वो, भाग रहा है, पकड़ो उसे। देखो जीजा जी, लोग ससुराल आते हैं रिश्तेदारों के साथ और हम ससुराल आए हैं पंचायत के साथ। देखो भाई, जितना मुझे पता है ये लोग सिर्फ दो नहीं, इनके साथ एक बंदा और था। अरे अगर एक और था तो वो गया कहाँ? उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? ये तो मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ छोड़ो जी, एक मौका और दे दो इन लोगों को। किस लिए? ताकि किसी और के घर घुस जाए? देखो जी, मैं बंदा हूँ उसूलों वाला, गलती चाहे अपने की हो या बेगाने की, गलती तो गलती होती है ना। मैं तो कहता हूँ बिचली को भी धर लो, वो आखिर करने क्या आया था यहाँ पर? हाँ तो बताओ, यहाँ क्या करने आए थे? मैं तो खेतों में चल रहा था, एकदम से अंधेरा हो गया, पता ही नहीं लगा कि इधर कब आ गया मैं। चलो भाई मान गए, तुम्हें दिख नहीं रहा था इसलिए तुम हमारे घर की तरफ आ गए। लेकिन ओए, तुझे तो दिख रहा था ना, तुझे हमारे घर में आते हुए शर्म नहीं आई क्या? आई थी, और डूब मरने का जी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ उनका काला मुंह करके गधे पे बैठाओ। सिर्फ क्यों जी, मैं तो कहता हूँ बिचौली का भी मुंह काला करके गधे पे चढ़ाओ। मुझे क्यों गधे पे चढ़ाओ? मेरी इसमें कोई गलती है क्या? मैंने तो सिर्फ रिश्ता करवाया था। जो भी है, रिश्ता तो तुमने करवाया है ना, अब चाहे जो कहना है कह लो, दोषी तो तुम ही हो, तुम्हारा भी मुंह काला होगा। भतीजे तू थोड़ा सोच के बोला कर। ये भूत न जाने कहां से आ गई यहां पे, मेरे दोनों जवाई तो गीले गोबर पे पैर नहीं रखते। अब इनको क्या पता, इस गिरोह का सरदार इनका जवाई ही है। हंसाओ मत चाचा जी, नहीं तो फिर मारेंगे। मैं पूरी पंचायत से माफी मांगता हूं, हम बहुत शर्मिंदा हैं समधि जी। अब मैं क्या कहूं, आपके साथ साथ हमें भी शर्मिंदा कर दिया। अब आप कुछ मत कहो, लेकिन आज के बाद ये बंदे मुझे आपके घर पे नहीं दिखने चाहिए। नहीं दिखेंगे जी। आराम से भाई, आराम से। अरे अरे, यही जिन्होंने कभी कुत्ते को भी डंडा नहीं मारा, उन्होंने भी भाग भाग के हाथ साफ किया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरा नाम नहीं लिया। अरे मेरे भाई, तू तो शुक्र कर, छुप कर अपनी जान बचा ली, हमें तो मार मार के भरता बना दिया। और बदनामी हुई वो अलग, हम तो गाँव में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। ओ तो फिक्र ना कर, ये बता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? तू तो बस भगवान से ये दुआ मांग कि हमारे सारे घाव जल्दी ठीक हो जाए। बेटा अगर पीट पीट कर फुला कर भटूरा बना देते ये लोग हमारा, बाप रे बहुत पीट रहा है। तेरे तो चाचा लगभग भटूरे जैसा ही हो गए हैं। उठिए जी, रोटी खा लीजिए। खा लीजिए रोटी, जो कुछ होना था हो गया। लीजिए पकड़िए, रोटी खा लीजिए। अब खाना कैसे मुंह में जाएगा? करतार कौर, मैं सोच रहा हूं चुपचाप छोटे का गौना करवा देते हैं, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। मैं भी सोच रही थी भाग सिंह से समय निकाल के बात करके बात आगे बढ़ाएं, और ये बात भी दब जाएगी। मुझे तो बस यही बात खाया जा रही है, छोटे की शादी खतरे में है, और वो भी उसके चाचा की वजह से। ये लीजिए, अगर शिंदा ये सब करता तो मैं मान भी जाती,
पर चाचा जी इस उम्र में वहां क्या करने गए थे? पर शिंदा, शिंदा ऐसा काम क्यों करेगा? चार महीने बाद तो उसका गौना है, पर चाचा जी। अब तो मुझे शिंदे के गौने की फिक्र हो रही है। पापा और चाचा क्या सोच रहे होंगे कि कैसे परिवार में शादी की है। चल तू इतना ज्यादा फिक्र मत कर, मैं हूं ना, संभाल लूंगा अपने आप। वाजी वाजी देवर के लिए चीज बांध रही हो क्या? नहीं, मैंने सुना है पंचायत ने घर निकाला दे दिया और खेत भेज दिया, अब मल्लम पट्टी भी साथ भेज दो। सुना है निर्मल के ससुराल वालों ने भगा भगा के मारा। क्या करूं बहन, इस उम्र में मुंह पर कालिक पोती, मजाक बना दिया हम सबका। निर्मल के पिताजी तो मुंह लपेट कर अंदर ही बैठे हैं। एक बात तो है बहन, जिस गांव से तुम्हें शगुन मिलना था अब वहां से ताने मिलेंगे। शुक्र है बहन, निर्मल की शादी हो गई, इसकी करतूत देखकर निर्मल के ससुराल वाले बहू नहीं ले गए। छोटी का गौना भी साथ में करवा लो और ये बात भी थोड़ी दब जाएगी, ऐसा ना हो कि आपको भी बांध के मारने लग जाएं। ठीक है बहन, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तुमको बहन शर्म नहीं आती? मुझे तो बहुत शर्म आती है कसम से। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, सोनू के पापा कहेंगे बेशर्मों के घर क्या करने गई थी। तारा, मैंने सुना तेरे चाचा ससुर को पेड़ से बांध के पीटा था। पता है गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जैसे बंदर का खेल चल रहा हो। चाचा जी यहाँ क्या करने आए होंगे? मुझे लगता है ना धोखे से चोर के साथ वो पकड़े गए। आया तेरा वाला होगा बेचारे चाचा, वो पकड़े गए। वो यहाँ क्या करने आएंगे? तारा, जब किसी की बहू इतनी सुंदर होगी ना तो वो तो दीवार खुद के आएगा ही। वैसे तारा, जरा सोच, उनकी जगह अगर तेरा हीरो बंधा होता तो तू छत पे चढ़ के उसे देखती, वो तुझे देखता, तुम दोनों एक दूसरे को देखते और सारा गांव तुम्हें देखता। रुक जा, तुझे तो ठीक करती हूँ। मासी, बोल क्या बोल रही थी? अच्छा, किसी और के बेटे को मार के थकी नहीं है? अब तू मुझे भी मारेगी। अच्छा, देखो इसे, चुपचाप काम कर लो, जब देखो मस्ती करती रहती हो। चाय पी ले। भाई, भाभी से मिलने जाना है। ठीक है फिर जा तू, नमस्ते। भाई हम घर नहीं जाएंगे, हम गांव भी नहीं जाएंगे। भाई हमें कहीं भी नहीं जाना है, माँ कह रही थी खाद खत्म हो गई है, हमें वो लेने जाना है। अगर तुझे अकेले जाना भी है ना तो अच्छे से खा पी के तैयार होके जाना, क्योंकि जब डंडे पड़ते हैं ना तो बहुत दर्द होता है भाई। ठीक है जा, नमस्ते। लाओ भाभी मुझे दो, थक जाओगे आप। भाभी अगर छोटा मोटा काम हो तो मुझे बुला लिया करो, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। हाँ भाभी। भाभी इतना काम मत क्या करो, थक जाओगे। लाओ मुझे पकड़ाओ। भाभी जब आपकी बहन आ जाएगी तब दोनों मिलकर काम कर लेना, मैं और भाई भी दोनों मिलकर काम क्या करेंगे। भाभी मुझे एक बात पूछनी थी। ओ, माँ चाय बना लो, मैं मदद कर देता हूँ। क्या बात है, आजकल बड़ा मस्का मार रहे हो, चक्कर क्या है? कुछ नहीं भाभी,
मुझे पूछना था कि आपकी बहन कहीं बाहर नहीं जाती क्या? कहीं नहीं जाती। थोड़ा बहुत जाती होगी कि नहीं? कभी कभी गुरुवार को पीर बाबा के यहाँ चली जाती है। भाभी मैं भी जाता हूँ गुरुवार को पीर बाबा पर। अच्छा हाँ? तो फिर आज गुरुवार है, गया क्यों नहीं? आज मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, रहने दो चाय। ओ देवर जी आज बुधवार है, आजा वापस आ, सेवैयां बना मेरे साथ, चल आजा। आज बुधवार है, चल चाय ले आओ माँ। हाँ बना सेवैयां अच्छे से। पहले तो कभी पीरों की याद नहीं आई, फिर आज ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? आज तो तेरी भाभी को मुंह दिखाऊंगा मैं। अच्छा? मत्था टेकने आएगी वो। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों, तू और अच्छे से तैयार होकर आता। तैयार होना छोड़, मैं तो इस तरफ मुंह भी नहीं करता। ओ भाई माफ कर दे मुझे, मैंने पता नहीं तेरे पीछे क्या क्या घटिया काम किए, भेष बदले, जूते खाए। मैं नहीं जाता तेरे साथ, तू अकेले जा। चल कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा यार। आ जा यार। मैं नहीं जाता तेरे साथ। अरे मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ इस फालतू काम में। ठीक है माता मैं जा रहा हूँ। तो तू अकेले जाएगा? जा रहा हूँ, तू भाग यहाँ से। पक्का जाएगा? हाँ अकेले जा रहा हूँ। ठीक है इतनी मिन्नतें मत कर, मैं आता हूँ। जब देखो हाथ जोड़ने लगते हो। बांध लिया। तू ऐसा कर, हाँ तू इधर देख मैं उधर देखता हूँ। मैं खो जाऊँ तो रेडियो पे अनाउंस करवाना। जा यार भीड़ बहुत है। हाय ये सुंदर है ना, मुझे ये लाल वाली चाहिए। हाँ तो फिर ले लेना। ये भी सुंदर है। ये कितने की है? 50 रुपए की। अच्छा पहचाना मुझे? नहीं मैं वही हूँ जो आपके पास ऐसे ऐसे करके जा रहा था। तुम हो कौन? कोई नहीं जी। ये जूती देखिए, पड़ेगी तो गाल सूज जाएगा। 100 मारूंगी और 1 गिरूंगी। चलो गिनती विनती तो बाद में कर लेंगे जी, पहले बात। ओए तू यहाँ से निकल ले, नहीं मैं तेरा कचूमर बना दूंगी। क्या बकवास कर रहा है पागल कहीं का? छोड़ ये तो है ही बेशरम। चल शक्ल देख इसकी, बकवास कर रहा है बंदर की शक्ल वाला। दिखने में तो छोटी सी है पर एक सांस में कितना बोलती है। इन्हें कैसे पता कि हमारा परिवार बेशरम है? इन्हें अपना थोपड़ा नहीं दिखता। चल जी तो कर रहा था घुसे मार मार के ना मुंह लाल कर दूं। और जी सुनो तुम लोग थके नहीं? इसे आपसे बात करनी। क्या बात करनी है? तू क्यों तंदूर की तरह गर्म हो रही है? बोल भाई। मैं तुम्हारा वो हूँ। वो कौन? जिसका नाम नहीं लिया जाता। तुम्हारी बहन का देवर तो होगा फिर। मुझे गाड़ी में पंजाब घुमा दे सोनिया। तारा हाँ चली? नहीं मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। क्यों? अरे यार मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत शर्म आती है। कल पता नहीं मैं उनके सामने क्या क्या बकवास करती रही। बोलती है तब सोच नहीं सकती, कुछ भी बोलती रहती है। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ हमें मेले में मिल जाएंगे, मैंने तो जीजाजी को पहचाना ही नहीं। देख मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी सहेली नहीं है तो ना थोड़ी दूरी पर खड़ी रहना, चलना। अच्छा ठीक है जल्दी कर फिर। ठीक है चल 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 चल, चल। अब अपना मुंह भी चला लो कि मौन व्रत पे आए हो इधर। तुम्हारे चक्कर में 2 बार चेन उतार के चढ़ा ली। कुछ तुम बोलो अब।
बोल तो दूं पर डर लगता है कहीं तुम भाग ना जाओ। हाय देखो कैसा है ये, बुला कर बैठा रखा है, बोलता भी नहीं है कुछ। क्या बोलूं? हाँ मैं मर जाऊं, कहीं पागल तो नहीं है ये? शिंदा बोल कुछ, कहीं गुस्सा ना हो जाए। तारा जब हमारा गौना हो जाएगा कितना अच्छा होगा, एक ही चारपाई पर बैठे रोटी खाएंगे। तुम मुझे खिलाना, मैं भैंसों को खिलाया करूंगा, फिर मैं तुम्हें एक और पायल की जोड़ी लाकर दूंगा, पूरे घर में छन छन करती फिरोगी। ओ भाई साहब, जिससे बात कर रहे हैं वो तो घर भी पहुंचने वाली होगी, उधर देख, अकेले ही आंख बंद करके चटर पटर किया जा रहा है। कैसे लगे? जैसा बताया था वैसे ही है ना जीजा जी? बाकी तो जैसा बहन ने बताया था वैसा ही है, पर लगता है बहन ये बताना भूल गई कि वो थोड़ा सा पागल है। ओए काम चोरों, थोड़ा काम कर लो, कछुओं को भी काम दूंगा तो तुमसे जल्दी कर देगा। ओ यार जब से निर्मल भाई की शादी हुई है ना, वो घर से निकलते नहीं, ये घर जाते नहीं। सच का है यार, फालतू पीछे पड़ा हुआ है यार, अगर इसका भी गौना हो गया होता ना तो ये भी घर पे ही बैठा रहता। बस ज्यादा गौना गौना ना कर, अगर उसने सुन लिया ना तो हम दोनों को उठा लेगा फिर। अच्छा क्या गौना गौना कर रहा है? मैंने नहीं कहा गौना, बड़े महाराज की कसम खाता हूँ जी। कोई नहीं कह ले। नहीं भाई अब मेरा भी जल्दी होने वाला नहीं है। नहीं भाई तू फिर मारेगा। कह ले यार। नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अरे मैं, क्या? भाई गौना, क्या? गौना जी। काम कर काम कर। एक बार कहना गौना जी। ले तू घोट ले। माँ आप जाओ मैं घोटता हूँ, उधर बैठ जाओ। बैठ जाओ। नमस्ते भाभी। ये कुछ ज्यादा ही टुपुर टुपुर नहीं कर रहा है? जैसे इसके लक्षण है ना, किसी दिन इसका भी हाल इसके चाचे के जैसा होगा। डैडी जैसे उन्होंने मारा था ना चाचा जी को पेड़ से बांध के, मुझे लगता है इसकी बारी भी आने वाली है। क्या मतलब? मतलब मैं तुझे बताती हूँ बेटा, जो तू छुप छुप के बहू से मिलने जाता है सब जानते हैं हम। कौन है वो, आपको किसने बताया? अभी आपने बताया ना? मैंने तो मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। भाई आपको किसने बताया? और पागल थोड़ा सबर से काम लेगा तो ही बात बनेगी। माँ इससे पहले हमें दोबारा पंचायत लेकर जाना पड़े उधर इसे छुड़ाने के लिए, इसका गौना करवाई दो। तारा शादी के बाद जब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था मेरा दिल नहीं लग रहा था, अब जब तुम्हें देख लिया मेरा जरा भी दिल नहीं लगता। ऐसा मत कहिए, मेरा भी जी नहीं लगेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारा जी भी ना लगे तब तुम मुझसे रोज मिलने आओगी। अगर मैं आपसे रोज मिलने आ गई और पापा को पता चल गया तो पहले तो मेरी पिटाई होगी और फिर गौना भी नहीं होगा। ले ऐसे कैसे नहीं होगा गौना, तुम्हारे बापू के बापू का राज है क्या? कह देना मेरे ससुर जी से जाके कि कर ले तैयारियां, आ रहा है उनका जवाई। मेरी तो पूरी तैयारी है, जब भी आप कहेंगे चल दूंगी आपके साथ। चल अभी चलते हैं। इतनी भी तैयारी नहीं है, पर एक सच बात कहूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। इतना भी प्यार मत करना कि कहीं झट प्यार प्यार में ही मारा जाए। भाई देख के ऐसे ही चाय में कुछ गिरा मत देना। हाँ ठंड बहुत है, कोई काढ़ा वाड़ा बना के पिलाओ फूफा को। भाग सिंह को बेसन का काढ़ा बना के पिलाओ। भाभी जी हाँ? जो बात करने आई थी वो तो रह ही गई। कौन सी? तारा की माँ का संदेश आया था, छोटे के गौने के लिए कह रही थी 10 दिनों में। 10 दिन में? अगर कहो तो फिर से रोक देते हैं, बाद में ले आएंगे। पापा रोटी। माँ मैं कहती हूँ 2-3 महीने और रुक जाते हैं, क्या कहती है? थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी। बहुत गर्मी है, क्या पहनोगे स्वेटर वगैरह? क्यों फूफा जी? यार शिंदा को ठंडाई पिलाओ, सच में गर्मी बहुत है यार। माँ पंखे निकाल लूं क्या संदूक में से? तुझे पता है हमारा 10 दिन में गौना है? संदेशा हमारे घर से ही गया था। हमारे गांव में लोहड़ी भी है पता है? वो तो हमारे गांव में भी है। हाँ तुम्हारे गांव में भी है, हमारे गांव लोहड़ी मनाने आ जाओ। ना बाबा ना, गौना होने से पहले ससुराल नहीं जाना चाहिए।
चल फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे गांव में। हाय मैं मर जाऊं, आप हमारे घर कैसे आ सकते हैं? चल छोड़ो, एक बात कहूं, मुझे भगवान ने ज्यादा अक्ल तो नहीं दी है, ना ही मुझे ज्यादा बातें बनानी आती है। भगवान की कसम, जब तुम मुझे देख के हंसती हो ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। हाय मेरा पागल बलमा, 10 दिनों में हम आपके पास होंगे। मेरा तो एक पल भी नहीं बीत रहा, 10 दिन पता नहीं कैसे बीतेंगे। पर तुम सच्ची यार बहुत सुंदर हो, मुझे डर लगा रहता है कि कोई मुझे थप्पड़ मार के तुम्हें लेना जाए। अच्छा, मेरा जी करता है तुम्हें जेब में डाल के साथ ही ले जाऊं आज ही। गौना रख लिया लेकिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। दामाद ना हो गया, बंदर हो गया। यार ऐसी कौन सी बात हो गई, अब पूछ लेते हैं, कर ले गौना। नहीं मेरी तरफ से तो ना है, मेरे बेटे के 3री क्लास के पेपर है तब, हम तो नहीं आएंगे भाई। पर हम आए या ना आए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम तो कोई है ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, बस मैं तो जाऊंगा। जीजा तैयारी तो सारी हो गई है, लोहड़ी तो मनाते जाओ। वो तुम्हारी बहन रूठ जाती मैं उसे नहीं मनाता हूँ, लोहड़ी मनाऊंगा आपके लिए। मैं तो जाऊंगा बस। पापा जी, ठीक है मैं तो जाता हूं बस। अब जैसे गौना रख लिया ना, वैसे अपनी बहन को भी रख लो। अब मैं क्या करूं? अब बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। पापा जी, बैठो। अब पूरा खानदान आपस में खुसर फुसर कर रहा होगा कि आखिर मुझे मनाना कैसे है। अरे मैं क्या कोई महंगा त्योहार हूं जो गरीबों से मनाया नहीं जाएगा, हिम्मत तो करके देख लो। अब मैं समझ गया सब, तुम सब में वो बात नहीं है, ये तो मैं ही भला मानुस हूं जो लोहड़ी तक रुक रहा था। वैसे एक बात बता दूं, मैं बंदा बहुत जिद्दी हूँ। सही कहा आपने। अभी तो तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, पता तब लगेगा जब रूठ के दामाद निकल जाएगा। बेटा सब कुछ ले आओ, मूंगफली रेवड़ी। और सुनाओ आप परिवार में सब ठीक है ना? सब ठीक है जी, सब ठीक है। और डाल दे ठप्पे। ओ ऐसे ही नहीं, जट को गेला कहते हैं। गेला आज ही घर आया है, वो तो कुएं पर ही रहता है, त्योहार की वजह से आ गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज तो त्योहार है, अपने तो आ ही जाते हैं, और साथ ही ये त्योहार तो अपने के साथ ही अच्छा लगता है। कोई ना, भूल जाओ बीती बातों को। समधी जी, नशे में यह गलती कर बैठा, पर यह ऐसा नहीं है। पहले आप अपने भाई को समझाओ, मुझे लगा इसे पेड़ से बांधा होगा तो अक्कल आ गई होगी, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? जुबान संभाल के बात करो। जुबान संभालने हमें भी आती है सरदार साहब, पर पहले आप अपने जलील भाई को संभालो। पहले उस दिन हमारे गांव में जाके नाक कटवा के आया और आज इसने यह हरकत कर दी। ओए हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए, और ये जलील, इसको आपकी घरवाली ने रखा होगा गले लगाने, मेरी घरवाली ने नहीं। डैडी, चल बेटा चल, हट बाजू, चलो बाजू हट।
हे भगवान, क्या हुआ बहन, तू क्यों इस तरह रूठ के बैठी है? हाँ, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज होती है। चाय पी लो और हम बहू को भी ले आएंगे, तू फिकर मत कर। अरे बिचौलिया जी, भाई तुम ही कुछ करो, मुझसे नहीं इनका दुख देखा जाता। हाँ। मैं क्या करूँ अब, ना उन्होंने बोलने के पहले कुछ सोचा, ना इसने मारने के पहले कुछ सोचा, मेरे बस की बात नहीं है अब। बस करो अब बस। ये लो जी अपनी अंगूठी, अब तू बन जा बड़ा, करा दे रिश्ता दोनों का। चल भाई उठा कपड़े चलते। हाँ, तुम दोनों भी चले जाओ, वैसे तो भगवान ने भी छोड़ दिया है हमें, तुम हमारा साथ क्यों दोगे? हाँ भाई, सुख में सब साथी होते हैं पर दुख में कोई साथ नहीं देता। आप कहाँ जा रहे हो चाचा? बड़े दामाद तो आप ही हो ना, और आप ही रहोगे, मैं छोटा हूँ, छोटा ही रहूंगा। अब इस घर पे जो मुसीबत आई है तो हम दोनों को मिलके दूर करना है, क्या कहते हो? शुक्र है भगवान का। तुम ठीक कहती हो, सारे आदमी ना एक जैसे होते हैं। मम्मी मैं तो कहती हूँ हम चन्नू को भेजेंगे ही नहीं, वो इतने भी बुरे नहीं है। उन्होंने सबके सामने पापा पे हाथ उठाया, अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो थप्पड़ पापा के गाल पर पड़ता। तारा कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी बातें हो जाती है जो आदमी को करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? अगर तुम्हें प्यार करते है ना तो रोक भी सकते थे। तारा तू जा यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। हे भगवान जी, हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कोई बात नहीं बेटा, दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा। भाभी, चन्ना के ससुराल से वो दोनों जीजा जी आए। देखा तारा, मैंने कहा था ना वो इतने भी बुरे नहीं है, देख मुझे लेने भी आ गए। तारा, छोटी मोटी बातें ना हर घर में होती हैं, उन्हें भुला के ही घर जुड़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तू शिंदे को सच्ची प्यार करती है? तो तू नहीं चाहती कि तेरा घर भी बसे? चाहती हूँ। मैं ना पापा से कह के फिर से अपने साथ ही तेरा गौना करवा लूंगी, ठीक है? सच्ची? हाँ। चलो छोड़ो जी, इंसान गलतियों का पुतला होता है, भूल जाओ सब। वैसे भी आपको पता ही है ना, नशे में आदमी से गलती हो ही जाती है। वो बंदा गलत नहीं है, टाइम गलत होता है बंदे का, वो अपनी गलती भी मानते हैं जी। वो अब खेतों से वापस नहीं आएंगे कभी घर मुड़ के। हाँ जी पक्का, वो खेत पर ही चला गया है, अब नहीं आएगा वो। हाँ जी, आप फिक्र मत करो जी, घर नहीं आएगा वो अब। आप तो बस ये बताओ कि बड़ी को लेने निर्मल कब आए और छोटी का गौना करने के लिए हम लोग कब तक आ जाएं। बस हो गया, बस हो गया तुम सारों का। छोटी का गौना तो छोड़ो, मैं तो अब बड़ी को भी नहीं भेजूंगा। चल, चल, नहीं। इससे पहले कि उनका गुस्सा आप पर निकले, आप जाओ। नमस्ते। ठीक है, अब हम भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ऐसे परिवार के साथ। पहले मेरे देवर को रुका घर आने से, अब परिवार के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सारे रिश्तेदार और गांव के सामने इज्जत उछाल दी हमारी। बुलाओ पंचायत कल और वापस कर दो उनका सामान, हमें भी कोई लड़कियों की कमी नहीं है। पर मम्मी, इसमें भाभी का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर, अगर उसे घर से इतना ही प्यार था तो वो घर छोड़ के क्यों गई? बड़ा आया उसकी तरफदारी करने। अब वो जो गई है ना यहाँ से, मैं अभी कदम नहीं रखने दूंगी इस घर में उसे। मम्मी, छोटी छोटी बातों से रिश्ते टूट जाते हैं। टूटने को है क्या क्या है अब, तू भी बस कर उसकी तरफदारी, हमारी इज्जत रखी नहीं उन लोगों ने, बहुत सुन लिया तेरा। अरे मम्मी जी बात तो सुनो।
मेरी बात सुनिए जी, हमें सब कुछ भुला के अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से सोच लीजिए। पता नहीं किस बात की सजा मिली है हमें, इतना इंतजार किया था इस दिन का। तारा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता यार। अब हमारा गौना कभी नहीं होगा। तारा, अगर तुम चाहो हम सबको एक कर सकते हैं और हम दोनों भी साथ हो सकते हैं। वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। ऐसे नहीं आ सकती मैं आपके साथ, अब शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। खेल है तुम्हारे लिए तो, जब दिल किया कह दिया मैं तुम्हारी हूं, जब दिल किया छोड़कर चली गई। जी लूंगा मैं तुम्हारे बिना, और नहीं जी पाया तो मर जाऊंगा। आपका कसूर नहीं है चाचा जी, किस्मत का कसूर है। ना मैं चुन्नी लेके नाचता, ना चाचा जी। मेरी वजह से बेचारे भतीजे का भी घर टूट गया। हे भगवान, किसी भी तरह इन बच्चों का घर बसा दे, मैं आज के बाद अपने घर कभी पैर नहीं रखूंगा। चाचा जी रो मत यार। आप मेरे सिर्फ चाचा नहीं, मेरे दोस्त भी हो। रो मत, हम लोग तेरे गुनहगार हैं यार। मुझे बस बेटा एक ही दुख खाए जा रहा है बेटा, कोई भी अब तुझे अपनी बेटी नहीं देगा बेटा, नहीं देगा बेटा। ऐसे कैसे नहीं देंगे बेटी, किसी के बाप का राज है क्या? गौना तो होकर रहेगा, बंदा लाने वाला चाहिए। बाबी। शिंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तारा कहाँ है? तारा, तू जा यहाँ से, पापा देख लेंगे। अच्छा हुआ ये घर पे नहीं है, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। कोई नहीं, बिगड़ जाने तो बात, मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। बेटा तू चला जा यहाँ से, नहीं तो इसके पापा जी आ जाएंगे। कोई नहीं, आ जाने दो बापू को, मैं मिलकर जाऊंगा। कुछ दिनों बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैंने आज इसे तुम्हारे साथ भेज दिया तो इसके पापा जी को क्या जवाब दूंगी? तुम उनके गुस्से को नहीं जानते बेटा। अगर बात यह है तो मैं बापू से बात करके तारा को लेके जाऊंगा। यही बैठा हूँ मैं। बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान जाओ।
मामी जी, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया, एक छोटी सी बात पे टूटे रिश्ते को जोड़ने आया। और बापू से कह देना ले गया अपनी घरवाली को। आ गया तुम्हारा बेटा। दहलीज तो तूने लांग ली है, पर अंदर पैर मत रखना। जिस रास्ते से आया ना उसी रास्ते से चला जा। तुझे शर्म नहीं आती किसी की भी बहू बेटी को उठा ले आया? किसी की बहन बेटी को उठा के नहीं लाया, अपनी घरवाली को लाया हूँ। अगर ले आया तो क्या हो गया चाची जी, है तो उसकी घरवाली ही चार दिन पहले या बाद में। जाओ शगुन दो और घर ले जाओ। किस मुंह से स्वागत करूं इसका, इसने तो नाक कटवा दी हमारी। वापस चला जा, दुश्मन लगता है तू हमारा। लोग कहेंगे पहले चाचा ने नाक कटाई फिर भतीजे ने। अरे बेवकूफ, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? जा निकल जा यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तुम्हारा रिश्ता करवाया। मैंने इतने रिश्ते करवाए, इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई जितनी तूने आज कर दी मेरी। भाग सिंह, इससे पहले कि बात बिगड़े इस लड़की को इसके घर छोड़ा। ओए रुक जाओ भाई, क्यों पूरा गांव सर पर उठा रखा है? कौन सा किसी की बहन बेटी उठा के लाया है? अगर लाया है तो अपने ससुर की बेटी लाया है, साली की बहन को लेकर आया है। कर लो क्या करोगे। अब तो हमारी बहन बेटियों को उठाएगा। हमारे गांव की इज्जत है जिसे तू भगा कर ले आया है। आज हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। तुझे शर्म नहीं आई इनकी पगड़ी उछालते हुए? मैं खलासा मार के काट दूंगा अगर कोई आ गया। चोरी पे सीना चोरी? भाई तू हमारे गांव की बेटी को उठा के लाया है और उस पर रौब झाड़ रहा है। बेटी उठा के लाया मैं या आपकी बेटी लेके आया हूँ? अपनी घरवाली को लेकर आया हूँ। ये तेरी घरवाली कैसे हो गई? वो मैं आपको बताता हूँ जी कि ये कैसे हो गई इसकी घरवाली। ये बताओ बाबा जी, इनकी शादी आपने करवाई थी ना जी? हाँ जी मैंने करवाई थी। उधर वो हलवाई खड़ा है ना, इनकी शादी में लड्डू जलेबी किसने बनाए थे? हाँ जी मैंने बनाए थे जी। इनकी शादी में शगुन चढ़ाया था आपने? हाँ जी। अरे जोर से बोल, क्या बहुत कम चढ़ाया था? हाँ जी चढ़ाया था। लो सुन लो जी, सारे गाँव के सामने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में आप ही ने तो रखा था। या ये सब कुछ आपको अपनी बेटी के लिए दोबारा करना है? हमें ऐसे खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। चल बेटा। ठीक है डैडी, अगर यही बात है ना, आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो और अपनी जिद पूरी करने के लिए अपनी बेटियों को अपने घर पे खुश रख सकते हो, तो ले जाओ अपनी बेटियों को, मेरी वाली भी मत भेजना। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। नमस्ते। मैं कहता हूँ चल ना। बात सुन मेरी, पास आया तो गला काट दूंगा, चल। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। रुक जाओ सरदार जी, मेरी गलती की सजा इन मासूमों को मत दो। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है कि मैं उसकी कसम खा के यकीन दिला सकूं आपको कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं था। मैं तो बस धोखे में अपनी बहन जैसी समधन को हाथ लगा बैठा। सरदार जी उस गलती के लिए मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, वापस कभी इधर कदम नहीं रखूंगा मैं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं चाचा जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
बापूजी, सारी गलती मेरी है, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। उस रात जब हम आपके घर आए थे उसमें भी मेरा ही कसूर था, और जो कुछ आज हो रहा है उसका गुनहगार भी मैं ही हूं। पर मैं तारा से बहुत प्यार करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने प्यार करके गुनाह किया तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। बेटा, माफ करना समधन जी, उस दिन मैंने गुस्से में आपको बहुत बुरा भला कहा। ओह, कोई नहीं भाई साहब, गुस्से में ऐसा लग रहा था जैसे कि आप गाना गा रहे थे। ओ बड़े दामाद जी, हाँ? जरा आगे तो आओ चाचा जी। अब पूरे परिवार के सामने एक बात मेरी तरफ से सुन लो। हाँ? आपके आज हो गए 101 रिश्ते। हाँ? हैं? और चाचा होके 100-100 अंगूठियां दबा के बैठे हो और भतीजे की उंगलियां खाली पड़ी हैं। तो अब इस गांव के सारे बच्चों के रिश्ते हैं सिर्फ मैं करवाऊंगा। ओ मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं, अभी तक तुम हो हसी और मैं जवान। अरे भाभी खाना तो दे दो। हाँ देती हूँ, ये जो सुबह सुबह शीशा लेकर बैठ जाता है ना, अब तेरा गौना नहीं होने वाला, समझ ले इस बात को। अरे गौना कैसे नहीं होगा, बस लाने वाला चाहिए भाभी।